विवान को खबर पड़ी है कि इटली प्रेग्नेंट है, तो किस तरह पैरों तरह जमीन किसकी? एग्जैक्टली मतलब मैं तो फादर नहीं बन सकता हूँ, तो ये किसी और का बच्चा है और विमान इसलिए इस वक्त बहुत गुस्से में है और आदमी को पता लगाने के लिए बोला है कि कौन है पता लगाओ, एंड फाइनली नहीं पता लगता है तो वो बाहर चला जाता है और अपना गुस्सा दूसरों पे उतारता है। आदमी वहाँ से लेकर आती है और फिर एक मैकेनिक आता है जिसने इमली और सूरज को एक साथ देखा था गाड़ी में सोते हुए, और फिर मैं उस मैकेनिक को भी मारने लगता हूँ और भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो इस वक्त इमली के ऊपर, क्योंकि ये तो श्योर है कि मैं फादर नहीं बन सकता हूँ तो किसी ना किसी का बच्चा तो है वो, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में, पता नहीं क्या करेगा आगे। वैसे रागनी ने भी कुछ सबूत दिए हैं। हाँ एग्जैक्टली रागनी इस वक्त पूरी तरीके से भाई का साथ दे रही है और वही मैकेनिक को लेके आई है और उसने बोला है कि उसने ऐसे देखा था उन लोगों को साथ में सोते हुए भी सड़क पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि विमान की रिपोर्ट्स भी गलत हो? ये नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं, अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं स्टोरी के हिसाब से, बट रिपोर्ट्स तो उसने दो तीन डॉक्टर्स से कंसल्ट किया है और सब रिपोर्ट्स वो ही नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर ने बोला है, तो उसने दो तीन डॉक्टर से कंसल्ट किया उसके बाद सारी रिपोर्ट्स वही आई हैं, तो इसलिए वो इतने ज़्यादा श्योर है कि वो फॉलो नहीं बन सकता। तो अब विवान और सूरज के बीच में और कितनी कड़ी दुश्मनी है? ऑलरेडी इतने हम दुश्मनों की तरह हो गए हैं, अब इस बार तो लगता है किसी का खून बहेगा या तो उसका है तुम्हें।